नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहाँ है? कौन? तुम्हारी कार। सब बेकार। 7 दिन से खाना नहीं खाया सरकार। खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? बंगले में खाना लगाने के लिए तुम्हारे नौकर चाकर नहीं थे क्या? मुर्दे को लात मत मारो मालिक। तब तो तुमने मुझे मालिक नहीं कुछ और ही कहा था। अब मालिक कह रहा हूँ, जज साहब कह रहा हूँ, भगवान कह रहा हूँ, इसमें कुछ गलती है का? नहीं नहीं, उस दिन जब तुम कार खरीदने गए थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं सच बोलूं मालिक, अगर आप विश्वास करें। बोलो मालिक, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। मुझे याद है, तुमने इन्हें भैंस का गोबर कहा था। अभी भी तुम्हारा जी नहीं भरा ना साहेब? यही है सारे फसाद की जड़। इसने हमसे कहा था कि हमारी लॉटरी लग गई है, और इसने कहा था जब हम बंगला और मोटर खरीदेंगे ना तो ये घटिया नौकरी छोड़कर हमारे बंगले में आकर नौकरी करेगी। नहीं कहा था? सरकार देखो कितनी झूठी है ये, देखिए देखिए देखिए। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है दिमाग खराब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल वो बहुत हंसते हैं, दिल खोलकर हंसते हैं। ये बात है तो अब देखना यह है कि सच कहने का वक्त आ गया है या नहीं। अब वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अब तक के मैं जो भागा फिरता था, कल उसे मिलने आ जाऊंगा, फिर पसंद और नापसंद का फैसला हो जाएगा। कौन था? पता नहीं, मैंने भी सिर्फ एक परछाई देखी। पहले पहले हम हूँ समझे थे कि ससुर पगली आए गए। तुम्हारी बात से समझ नहीं आया कि 10 साल में वाकई तब्दीली आ गई है। अब हमारे बाप को गाली देना बंद कर दिए हैं। कुछ भी कहो, लड़की है बड़ी चालाक। 10 साहब को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है, लेकिन वो लड़की प्रीतम की लगती क्या है? कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है, यही कहकर प्रीतम ने उसको वहाँ लगवाया था।
डॉक्टर। हेलो। शुक्र है बुड्ढे का निशाना कमजोर था और मैं बच गया। जानते हो ऑपरेशन करके शरीर से 5 गोलियां निकाली हैं। अच्छा, कहीं मेरे जिस्म से बम के गोले और रॉकेट तो नहीं निकले ना? मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक चमक उठी, आवाज आई और बस। बाहर पुलिस खड़ी है। खड़ी है तो अंदर बुला लो, खड़े खड़े थक गए होंगे। तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। उनसे कहो कि मुझ पर चोरी का इल्जाम काट के कत्ल का इल्जाम लगा दें और मुझे फांसी दे दें। सर। अरे प्रीतम, कहाँ चले गए थे तुम? क्या कहूँ सर, 2 मेमो के साथ गुडलूर तक गया था, लौटने पर ही हालात का पता चला। कहाँ है वो छोकरी? नंदिनी, ए नंदिनी, बाहर निकल। मेरी ठुकाई होनी चाहिए, लावारिस लड़की की मदद करने चला था। अरे भाई जाने भी दो, बच्चे आखिर बच्चे ही। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर, काहे की बच्ची पली पलाई सड़नी है। अरे रुक जाओ प्रीतम, मेरी बात तो सुनो। आप चुप रहिए। कल तक आप मुझे प्रीतम कहते थे और अब लुच्चा लफंगा बदमाश कहने लगे। मैंने कब कहा? चाय की दुकान पर 10 आदमी गवाह, बोलो कहा था कि नहीं, बोलो। हाँ कहा था लेकिन। किसके कारण? इस छोकरी के कारण। और आपने ये भी कहा कि अगर मैं आपको मिल गया तो आप मुझे चप्पल से मार कर, उल्टा टंगवा कर, भरे बाजार घसीट कर, मेरी बोटियां कर करके कुत्तों को खिला देंगे। मैंने ये नहीं कहा था। चप्पल से मारेंगे कहा था ना? हाँ ये तो कहा था। उल्टा टंगवा देंगे कहा था ना? हाँ ये भी कहा था। बाजार में घसीट कर ले जाएंगे कहा था ना? नहीं नहीं ये मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था मेरी बोटियां करके कुत्तों को खिला देंगे? हाँ ये कहा था। किसके कारण? इस नाशुक्री के कारण। दूंगा एक हाथ, चल बोलिए विश्वास और निकल यहाँ से। मक्कार कहीं की? अरे भाई प्रीतम। मानता हूँ सर, सारा दोष मेरा है। जब ये लड़की मेरे पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाई थी तो मैं समझा सीधी लड़की है। हाँ बिल्कुल सीधी लड़की है, मगर है जहर की पुड़िया। यू शट अप। अब एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं। देखो भाई प्रीतम, ये सारी गलती मेरी ही है। जानता हूँ सर, ये लड़की यहाँ पर जब आई थी तो मेरे भरोसे पर। अब मैं गलती सुधार दूंगा। हाँ तो हरिद्वार जाके अपना मुंडन करवा लो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ए बद्री, यू गेट आउट। देखो भाई प्रीतम, शुरू शुरू में मुझे तुम पर गुस्सा आया था और अब इस गुस्ताख लड़की पर। क्यों रे मक्कार, आई थी भीगी बिल्ली बनकर और अब खा पी कर फूल गई है तो जबान चलाने लगी है। चल निकल यहाँ से। निकल, अच्छा है कि ये बला यहाँ से चल रही है। तुम अपनी जुबान बंद करो। ये सच है कि मैंने तुम्हें गालियाँ दी। जानता हूँ सर, आप इसे गालियाँ नहीं दे सकते थे इसलिए मुझे दी। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। भाई मेरा सारा गुस्सा अब हवा होता है। ऐसा ही होता है, गुस्से की हद होती है, उसके बाद पिटाई की बारी आती है। क्योंकि ये लड़की है आप वो भी नहीं कर पाए। अरे भाई सुनो मेरी बात तो सुनो। मारना चाहिए था, मार मार कर भुट्टा बना देना चाहिए था। आपको पूछने वाला कौन है सर? देखो प्रीतम, जब मैं बीमार था ना तो ये अपनी जगह से हिली नहीं होगी, मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, इसी की वजह से तो आपने इतने दुख उठाए, सिर्फ इतना ही काफी है इसे निकालने के लिए। चल निकल जा। रुक जाओ, अब और कुछ मत कहना। कुछ भी हो, इसके यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यहाँ से नहीं जाएगी, मैं इसे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा और इसका कोई झगड़ा नहीं है, दरअसल ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं कहता हूँ जब तू इसके बारे में कुछ नहीं। आपको एक गाली दे सकता हूँ? ए बुड्ढे बदमाश। Thank you.
अच्छा तो तुम यहाँ हो, इस घर में तुम्हारा क्या काम? अगर अपने अधिकारों की बात करोगी तो जिंदगी से हाथों बैठोगी। निकल जाओ यहाँ से, आई से गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? तुम्हारे बाप ने इसको यहाँ रखा है बेटा, तुम क्या कर रहे हो? कहाँ है डैडी? कोयंबटूर गए हैं। डैडी के आने से पहले ये लड़की यहाँ से चली जानी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, कह देता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बिटिया? प्रीतम को कहाँ ढूंढूं मैं? नंदिनी को क्यों मारा? तू पूछने वाला कौन होता है? माई बाप कहने वाले सर पर बैठने कब से लग गए? नंदिनी को उस घर में मैं लेके गया था। तो अब ये धंधा शुरू कर दिया तूने? हाँ मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो तुम? ये खेल आप खेल रहे हैं डैडी, आप बेटी और बेटी का गुंडा। अब आप सबको मेरे सामने मिलकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। शट अप। धमकी मत दीजिए, अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूँ। खबरदार जो एक लफ्ज भी बोला तो। गेट आउट। ठीक है, लेकिन याद रखना बहुत जल्दी लौटूंगा, वो भी आपके सारे परिवार के साथ। अच्छा, बेटी अपने बाप से मिलने आई है, एम आई करेक्ट? तो फिर ये सब नाटक क्यों? बदले की भावना से या अपना अधिकार जताने के लिए? एक्सेलेंट प्रीतम, एक्सेलेंट, तुमने तो कमाल कर दिया। क्योंकि तुम मेरे बहुत करीब आ चुके थे और मुझे अच्छी तरह से जानने लगे थे, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे बेवकूफ बना सके। खैर जाने दो, अब ये बताओ कि इस धंधे में तुम्हारा हिस्सा कितना है? सर मुझे अपने लिए कुछ, मैं तो नंदिनी के लिए। समझाने की कोशिश में बात को और उलझाओ मत, ताना बाना बहुत पेचीदा है, समझने में वक्त लगेगा और मैं इस वक्त समझने की स्थिति में नहीं हूं। आई एम शॉक्ड। अरे ओ बद्री, क्यों आए हो तुम सब यहां? अब हम सब ने फैसला किया कि हम आपके साथ ही रहेंगे। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगे तो? आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो सब हम जानते हैं, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। हमें अभिमान था कि हमारे डैड सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है बरफरदार कि तुम्हारा अभिमान चकनाचूर हो गया? अब और होना बाकी ही क्या है, अब अपने ही परिवार को भूल के अपनी नाजायज बेटी के साथ रह रहे, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, ये कभी सोचा आपने? शट अप, बकवास बंद करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरा ही दिया हुआ है,
तुम्हारे पास अपना है ही क्या जिसे खो बैठोगे? मैं जैसे जी चाहेगा रहूंगा, तुम लोगों के लिए इज्जत कमाने के लिए नहीं, समझे? पिताजी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन आप अपनी औलाद और उनके बच्चों को भूल गए। ससुर साहब, इन सबको पहचानते हैं? इनके नाम जानते हैं? नहीं, पोता पोती अपने दादा को नहीं पहचानते, भतीजे अपने अंकल को नहीं जानते। शुक्र है, बेटा बेटी अपने बाप को तो जानते हैं। हमने ऐसा क्या किया है पिताजी कि आप हम सबसे नफरत करते हैं? जब मैंने आपसे इस लड़की की परवरिश करने के लिए मना किया तो आप घर ही छोड़कर चले गए, ये कहकर कि अगर मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता तो तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। लेकिन अब जबकि ये लड़की इस घर में रह सकती है, हम लोग यहाँ क्यों नहीं रह सकते? आज हम बस एक ही बात जानना चाहते हैं कि आपको अपना परिवार प्यारा है या ये लड़की? कह दीजिए पिताजी, कौन यहाँ से जाए ताकि सारा फसाद खत्म हो जाए। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन तुम जानती हो कि सवाल कितनी जिंदगियों का है। क्या ये बेहतर ना होगा कि सारे परिवार को कुर्बानी देने की बजाय कोई एक ही अपनी कुर्बानी दे? नंदिनी, अगर तुम्हारे सीने में दिल है तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अर्जुन, केसी बोल रहा हूँ, वो समद खान का है, उस तक एक पैगाम पहुंचाना है। देखो वो लड़की यहां से तो निकल गई, लेकिन अगर अंकल ने इरादा बदल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो समद खान से कह देना कि नंदिनी की लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अरे डियर, समझ गए ना? हाँ, नंदिनी कहाँ है? तो तू है क्या प्रीतम? तू मेरे बंदे नो कुटिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा सी। मैं नंदिनी को लेने आया हूँ। मैं पता सी तू उन्हें लेने जरूर आएगा। मैं पूछता हूँ नंदिनी कहाँ है? ओ छोड़ दे, ए पूरा बाजार मेरा आएगा, मेरे एक इशारे पे मेरे बंदे तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पर असी तेनू एक मौका और देवांगे। सुना है तू बहुत बहादुर बंदा है, मैं अपना ये रुमाल इस तरह रखता हूं, जे तू यह रुमाल हासिल कर लिया तो तू कुड़ी नू अपने नाल ले जाई। तू किन्ना कु तगड़ा है ध्यान देखेगा। Thank you.
अरे ए, तुम सब इतने खड़े खड़े क्या देखते हो? जाओ अपने काम करो, जाओ। उसे तेरे बेटे और दामाद ने गुंडों के हवाले कर दिया उसका खून करने के लिए। मैं भी उतना ही बुरा बन सकता हूँ जितना कि ये। लड़कर उसे जिंदा बचा लाया हूँ, सुना? वो जिंदा है। वर्मा, मैं जानता हूँ इस चाल में तू भी शामिल है। बहुत दौलत है तेरे पास, हाँ? तू और भी गुंडे खरीदेगा तो खरीद, मैं उससे भी टक्कर लेने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ वक्त और मकाम बता दे, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर तूने बहुत फैसला सुनाया है, तो फिर कहाँ चला गया था इंसाफ, जब तेरी अपनी बेटी तुझसे इंसाफ की भीख मांग रही थी। बोल, अपनी हवस मिटाते वक्त तो तुझे बहुत मजा आया होगा, नहीं? तब तुझे अपनी मान और मर्यादा का ख्याल नहीं आया है? अब तक के वो बिना बाप के जिंदा रही है और अब भी जिंदा रहेगी। है कोई जो उसे जिंदा नहीं रहने देगा? अगर है तो सामने आए। मैं जानता हूँ बाप तो सलाब फुसिल है, अगर बेटे या दामाद में कोई दम है तो बाहर निकले, एक एक को देख लूंगा। है कोई? कोई नहीं है? सब के सब डरपोक है। गुड नाइट योर ऑनर, गुड नाइट। कल रात शराब के नशे में
काफी कुछ उल्टा सीधा बक गया था। अब नशा उतर चुका है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था ताकि होश में वही बात दोहरा सकूं। नशे में कहे हुए सच को मैं पहचानता हूं और होश में कहे हुए झूठ को भी। प्रीतम, तुम्हारी तरह मेरा भी कोई ऐसा नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। एक बीवी है जो स्टैम्प पेपर पर सारी जायदाद लिखवा लेना चाहती है। बेटे और दामाद को तो तुम जानते ही हो। एक तरह से मैं भी तुम्हारी तरह यतीम ही हूं। अगर मेरा कोई अपना था तो बैरिस्टर गोविंद राम जी। मैं हाई कोर्ट की कैंटीन में काम किया करता था, वकीलों को चाय कॉफी पिलाया करता था। गोविंद राम जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और कैंटीन से उठाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। उनकी तस्वीर आज भी मेरे घर में लगी हुई है। उन्हीं की इज्जत की खातिर मैं बहुत सी बातों पर पर्दा डालता रहा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। नंदिनी को उसका बाप मिल जाएगा। मेरे जमीर की अदालत में एक मुकदमा परसों से चल रहा है। आज मैं उस मुकदमे का फैसला आप लोगों को सुनाता हूं। मैंने अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ नंदिनी की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई, इसीलिए मुझे अपने घर वालों से नाता तोड़ना पड़ा और मैं यहां रहने के लिए आ गया। मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर वालों ने इसे पागल करार दिया और पागलखाने में डाल दिया, लेकिन तकदीर ने इसे इसके बाप के साथ लाकर मिला दिया। मैं चाहता हूं कि ये दो न्यायाधीश नंदिनी के साथ इंसाफ करें। जस्टिस माया देवी, वो दिन याद है तुम्हें जब तुम अपना गुनाह कबूल करने के लिए मेरे पास आई थी? गोपाल ने मुझे धोखा दिया है। जब मैंने उसे कहा कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब उसने मुझे पहली बार बताया कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो शादीशुदा है। अब ऐसे हालात में आत्महत्या के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती माया। ये करतूत करते वक्त तुमने जरा भी नहीं सोचा कि तुम किस महान बाप की बेटी हो। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। मैं उस आदमी को मिलने गया जिसकी वजह से माया अनब्याही मां बनने वाली थी। उस आदमी गोपाल को मैं अपने भाई जैसा समझता था। जस्टिस गोपाल श्रीवास्तव, आपको वो घड़ी याद है? मैं तो शादीशुदा हूं, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। अजीब आदमी हो, फिर तुमने उसे क्यों धोखा दिया, क्यों झूठी तसल्लियां दी? बच्चा पैदा होने के बाद कौन जिम्मेदार होगा? जो कुछ हुआ उसका मैं जिम्मेदार अकेला नहीं हूं, उसमें वो भी शामिल है। Shut up, you liar! मैंने अपने घर में तुझे पूरी आजादी दी क्योंकि आज तक मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता रहा। वही सबसे बड़ी गलती हुई और अब ये गलती सिर्फ तेरे खून से मिटाई जा सकती है। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने तेरा खून किया तो सारा रात खुल जाएगा और मेरी जिंदगी बनाने वाले की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या इसी बहाने मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूं? अब मेरे सामने सिवाय इसके दूसरा कोई चारा न रहा कि मैं होने वाले बच्चे को अपना नाम दूं। मैं माया को लेकर एक हिल स्टेशन चला गया और वहां नंदिनी का जन्म हुआ। उसके बाद मैंने माया की शादी करवा दी और इस बात को राजी रखा। सब खुश रहे सिवाय मेरे। ये मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर आप समझते हैं कि आप अपनी गलतियां दूसरों पे थोप देंगे? नहीं, मेरे माथे पर तो कलंक का टीका लगा ही हुआ है। किसी और के सामने मैं इसकी सफाई पेश करने की जरूरत महसूस नहीं करता, लेकिन मुझे इस मासूम लड़की को नाजायज औलाद होने की बदनामी से बचाना है। कुदरत ने तुम्हें सजा दी है,
इसीलिए तुम्हारी अपनी कोई औलाद ना हो सकी और तुम्हें भी सजा मिल चुकी है। शादी के एक महीने के बाद ही तुम विधवा हो गई। यही वक्त है कि तुम अपने किए का प्रायश्चित कर सकते हो। क्या तुम दोनों अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकोगे कि यह तुम्हारी औलाद नहीं? अगर तुम दोनों में से किसी को यह मंजूर नहीं तो मैं इसे अपनी बेटी अपनाने के लिए तैयार हूं। औलाद रहकर तुम्हारे कर्मों का भुगतान मैं आज तक भुगत रही हूं। हो सकता है तुम अपनी इज्जत और मान की वजह से इसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दो, लेकिन मुझे बेटी चाहिए, इसे अपना लो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ है। अपने गुनाह के एहसास से मेरी कभी हिम्मत ही नहीं कि मैं किसी से पूछूं। वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि जिस बेटी को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है मेरे होते वो किसी और को अपनी माँ कहे। बेटी माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, एक सिर्फ एक और मौका दे दे मुझे, बस करो ये सब, नहीं चाहिए मुझे ये माँ ये बाप। क्यों, कोई भी राह चलता है यतीम का बाप बन सकता है, माँ बन सकती है। अदालत में सबूत पेश किए जा सकते हैं, कहाँ पेश किए जा सकते हैं? जज बाप को अपनी बेटी का खर्चा देने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन क्या एक जज बाप को मजबूर कर सकता है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ बेटी के नाज नखरे उठाए, उसके अरमान पूरे करे, उसे उसे अपने दिल से प्यार करे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन यहां ऐसा ही हुआ। मुझे जिस बात की तलाश थी उसे मैंने पा लिया। अब मुझे किसी और को अपना कहने की जरूरत नहीं। बचपन से जिसने मेरे दिल के खालीपन को अपनी मिठास और प्यार से भरा है वही मेरा बाप है, वही मेरी माँ है। मुझे नहीं सुना सच्चाई क्या है। मैंने अपने बाप की जो तस्वीर दिल में बना रखी है उसे मिटाने को मत कहो, मिटाने को मत कहो। बेटी, बेटी, अब तुम नहीं जा सकती। हो सकता है अपने लालच और जलन की वजह से हमने तुम्हारे पे बहुत जुल्म किया हो। देखो, हमें माफ कर दो। हम लोगों ने तुझे बहुत दुख दिए हैं बेटी, अपने अन्याय का बदला हम जरूर चुकाएंगे। तू भी इस परिवार का एक अंग है, अब तू कहीं नहीं जाएगी बेटी, कहीं नहीं जाएगी। तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कहीं तुम्हारे पश्चाताप मुझे खुश करने के लिए तो नहीं? नहीं बाबूजी, मुझे एहसास हो गया कि परिवार के टूटने से किसी को कोई फायदा नहीं। गई गुजरी बातों को भूल जाइए। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, बस इतना ही कहना है मुझे। गुड।
प्रीतम, मैं आज तक जिंदगी में किसी का एहसान लेकर नहीं जिया, लेकिन एक शख्स है जिसका एहसान मुझ पर है और वो है तुम्हारा। मैं शुक्रिया के अलावा तुम्हें और क्या दे सकता हूं? सर, मैंने किसी से भी कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखी है, क्योंकि जब भी किसी से उम्मीद की मैं उसे ही मिली। मैंने अपना वनवास खत्म करने का फैसला कर लिया है और मैं अपने परिवार के साथ घर लौट जाऊंगा। तुम कल सुबह रेलवे स्टेशन पर आ जाना मुझे अलविदा कहने के लिए। हेलो, तुम्हें छोड़ने के बाद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। एक अजनबी लड़की के लिए क्यों लड़े थे हम दोनों? हम नहीं, तुम लड़े थे। एक लड़की को राजकुमारी बनाकर उसके साथ खेल रहा था। खेल खत्म हुआ, वो अपनी राह चल दी और मैं यहीं रह गया। वो चली गई? कल जा रही है, उसे अपना परिवार मिल गया है। तुमसे कुछ कहा नहीं? कहा, गुड बाय। गुड बाय कहा? बोली कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से कहा गुड बाय। भाड़ में जाए, अगर गुड बाय है तो गुड बाय सही, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। वो आई, उसने देखा और लूट के ले गई, वो भी जो चाहती थी, वो भी जो वो नहीं चाहती थी। यहाँ आने वाले सब मुसाफिर होते हैं, कुछ रोज घूमेंगे फिरेंगे लौट जाएंगे, और हम भांड और बंदर उन्हें हंसाते हैं, उनका दिल बहलाते हैं। हमें कोई हक नहीं है उन्हें चाहने का, उन्हें प्यार करने का। हमें तो सिर्फ दो ही लफ्ज याद रखने चाहिए, वेलकम गुड बाय। अगर हम इन दो लफ्जों से आगे ना बढ़े तो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। प्रीतम, तुम्हें नंदिनी पसंद है और उसे तुम? मैंने कभी पूछा नहीं।